हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारी रेडर 125 और फ्रेंड्स अभी हम आए हुए हैं सेल टीवीएस के सर्विस सेंटर पर। तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि इसका जो ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो दिखाने के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे फ्रेंड्स, कंपनीज में 125 सीसी का यहाँ पे एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन ऑफर करती है। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि ऑयल कूलेंट जो है वो दिखता नहीं है, जैसे एक छोटा सा रेडिएटर जो होता है अदर बाइक्स में जो कि दिख जाता है ऑयल कूलिंग जिसमें रहता है, बट यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रेडिएटर नहीं दिखता है। तो कंपनी ने इसका जो मतलब एक छोटा सा रेडिएटर है वो यहाँ पे इंजन के पास प्रोवाइड किया है, जिसमें कि ये नट्स को अगर आप ओपन करेंगे तो ये जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इससे जो है मतलब जो इंजन कॉइल होता है वो बाहर के साइड में आके कूल होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कुछ इसका वेंट्स प्रोवाइड किया गया है साइड से। ये जो साइड वाला वेंट आप देख रहे हैं यहीं से कूल होता है, हवा यहाँ से पास होता है इस साइड से और इस साइड से निकल जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमने नट को जो है वो खोल लिया है और अभी आपको हम दिखाते हैं। थोड़ा सा हीट है क्योंकि अभी हम बाइक चला के आए हैं। तो यही ऑयल कूलिंग जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर काम करता है कुछ इस तरह से। और यहाँ से जो है ऑयल इन होता है और इसमें कूल होता है और फिर इस साइड से वो वापस से अंदर चला जाता है। तो इंजन जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है ऑयल कूलिंग वो इसमें वर्क करता है इस साइड से। और कुछ इस टाइप का ये आपको कवर कंपनी ने दे रखा है जिससे कि लुक जो है वो अच्छा आ पाए। ऐसे देखने में काफ़ी ख़राब लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे देखने में यहाँ पे ख़राब लगता है, बट ये लग जाने के बाद लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो आप इसे यहाँ पर लगा करके जो है वो आप देख सकते हैं, लुक्स कुछ आपको ऐसा मिलेगा। तो इंजन कूलिंग जो है वो यहाँ पे ऑयल कूलेंट इस तरह से यहाँ पे काम करता है। काफ़ी लोगों का डाउट्स आ रहा था कि सिर्फ एयर कूल्ड इंजन ही दिया है कंपनी ने, मतलब लिख तो दिया ऑयल कूल्ड बट दिखता नहीं है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और इस साइड से जो है वो कूलिंग नहीं दे रखा है कंपनी ने, मतलब सिर्फ उसी साइड से आपको मिलता है। यहाँ पर नॉर्मल सा मैगनेट कवर है, तो छोटा सा ही एक रेडिएटर आप बोल सकते हैं जो कि वर्क करता है। और ऑयल कूलेंट जो है वो इस तरह से काम करता है, अलग से इसमें ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, जो इंजन ऑयल रहता है वही यहाँ पर कूल होता है। तो ये फ्रेंड्स एक दिखाना था, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं होप करता हूँ ऑयल कूलेंट को लेकर जो भी आपका डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया हो। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे अदर चेंजेस की, तो अभी तक फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कुछ भी अपडेट नहीं आया है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।